तो सो पुराने दौर के अंदर जब कोई पैगाम एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाना होता था तो आम तौर पे शहर या कस्बे या गांव के किसी ऊंचे मुकाम पे चढ़ के ढोल बजाया जाता था और उस पैगाम की मनादी करवाई जाती थी जी हाँ मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइन की हिस्ट्री के हवाले से तो सो आपको ये जान के बहुत हैरत होगी कि हालाँकि ग्राफिक डिज़ाइन जो है ये एक मॉडर्न फील्ड है लेकिन इसकी हिस्ट्री का ताल्लुक़ इंसान के प्री एरा से है यानी कि पत्थरों और गारों के दौर से दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि पत्थरों के दौर में इंसानों ने केव पेंटिंग्स बनाई और इन केव पेंटिंग्स की मदद से उन्होंने एक दूसरे के साथ विजुअली कम्युनिकेट करने की कोशिश की इन पेंटिंग्स के अंदर अगर गौर किया जाए तो इनके जो टॉपिक्स हुआ करते थे वो या तो फ़ूड हुआ करते थे या शेल्टर और या फिर हंटिंग यानी कि वो तमाम चीज़ें जो उस वक्त के इंसान की बेसिक ज़रूरिया थी स्पेन बल्गारिया फ्रांस और इंडोनेशिया जैसे ममालिक में ऐसे केव पेंटिंग्स मौजूद हैं जिनके अंदर इंसान ने एक दूसरे से विजुअल की मदद से कम्युनिकेट करने की कोशिश की है दोस्तों इससे अगर ज़रा आगे आ जाएं तो हम ये देखते हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हेरोग्लिफ्स के नाम से दुनिया की पहली विजुअल लैंग्वेज के सबूत पाए जाते हैं हेरोग्लिफ्स को दुनिया की पहली ऐसी ज़ुबान कहा जाता है जिसको इजिप्शियंस ने विजुअली अपनी अमारात और मुख्तलिफ मकामात पे विजुअल के फॉर्म में इस्तेमाल किया अगर इससे और आगे चलें तो चाइना के अंदर पहली बार पेपर ईजाद हुआ पेपर का ईजाद होना ग्राफिक डिज़ाइन के लिए एक बहुत ही अहम स्टेप था इसके बाद यूरोप के अंदर पहली बार बाकायदा तौर पे प्रिंटिंग का आगाज हुआ इसमें ख़ास तौर पे जो अहम तरीन मुकाम हासिल है वो जर्मनी को हासिल है एक जर्मन गोल्ड स्मिथ क्लोटनबर्ग ने पहली बार अपनी प्रिंटिंग प्रेस में मूवेबल टाइप का इस्तेमाल किया इसके अलावा क्लॉड गैरामाउंड ने दुनिया की पहली टाइप फाउंड्री का आगाज किया यानी कि एक ऐसी कंपनी बनाई जहां पे टाइप फेसेस को डिज़ाइन किया जाता था 1760 के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के साथ साथ जैसे इंसान की जिंदगी की बाकी फील्ड्स पे असर पड़ा इसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर भी बहुत गहरा असर हुआ विलियम मॉरिस उसी दौर का एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट है उसने इसी दौर के अंदर पहली डेकोरेशन फर्म का आगाज किया जहाँ वो वह डेकोरेटिव डिज़ाइन अपने क्लाइंट्स के लिए बनाया करता था इसके बाद दुनिया की जब पहली एडवर्टाइजिंग एजेंसी मार्ज़ वजूद में आई उसका नाम एन डब्ल्यू आयर एंड सन्स था दो ग्राफिक डिज़ाइन की हिस्ट्री में एक बहुत ही अहम मुकाम फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी हासिल है इन दोनों दुनिया की अजीम तरीन जंगों में जिन ममालिक एक दूसरे से लड़ाई की उनकी अफवाज को लोगों की किल्लत थी लिहाजा वो अपनी आवाम तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते थे कि वो लोग अपनी फ़ौज का साथ दें और फ़ौज में भर्ती हो जाएँ इस मकसद के लिए उस दौर में उन की फौजों ने वॉर प्रोपेगेंडा पोस्टर्स बनाए और उस दौर में इन पोस्टर्स को जहाज़ों की मदद से गिराया जाता था ताकि लोगों तक ये पैगाम आसानी के साथ एक ही वक्त में पहुंचाया जा सके पॉल रैंड दुनिया का वो पहला डिज़ाइनर है जिसने डिज़ाइन के बारे में पहली किताब लिखी जिसका टाइटल थॉट्स ऑन डिज़ाइन दोस्तों इससे आगे चल के देखें तो स्टीव जॉब्स ने जब मैक की बुनियाद रखी और पहला मैक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया तो उसके अंदर पहली बार यूज़र इंटरफेस ग्राफिक्स की मदद से इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको बिट मैक ग्राफिक्स भी कहा जाता है दो डिजिटलाइजेशन के बाद ग्राफिक डिज़ाइन की हिस्ट्री में जो एक बहुत ही रिमार्केबल किरदार अदा किया वो अडोब कंपनी ने अदा किया जी हाँ इस कंपनी के नाम से तो आप सब लोग ही वाकिफ होंगे अडोब कंपनी ने ग्राफिक्स के हवाले से बेशुमारॉफ्टवेयर जो हैं वो बना रखे हैं और ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ग्राफिक डिज़ाइन और कंप्यूटर ग्राफिक्स के हवाले से बहुत ही आम इस्तेमाल में लाए जाते हैं जिनमें से एक बहुत ही मशहूर ज़माना सॉफ्टवेयर फोटोशॉप और अडोब एसट्रेटर भी हैं गज़ ये कि ग्राफिक डिज़ाइन है तो एक मॉडर्न फील्ड लेकिन क्योंकि इसका ताल्लुक़ विजुअल कम्युनिकेशन से है लिहाजा इसकी बुनियाद उसी वक्त रखी गई जब इंसान ने एक दूसरे के साथ पहली बार विजुअली कम्युनिकेट करना शुरू किया